हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम चैप्टर कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन लेटेस्ट डीके गोयल एडिशन से, वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, फेसबुक आईडी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। आपको मेरे ग्रुप्स में ऐड होना है, क्लास 11th के मैंने ग्रुप बना रखे हैं बॉयज़ गर्ल्स दोनों के अलग अलग, वहाँ भी ऐड हो सकते हैं मेरे नंबर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उम्मीद ये रख रहा हूँ आप लोगों से कि आप सभी को अकाउंट इक्वेशन बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझ में आ रहा है, बहुत प्यार समझ में आ रहा होगा, है ना। जिस तरीके से आपको अपने बाबू सोना की बातें समझ में आती हैं बड़े ही प्यार से, वैसे आ रहा होगा। आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी शायद चालू हो गए होंगे, होप सो, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आपके नंबर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,75,000। आई होप बच्चों को आंसर मालूम है कि सर एसेट साइड में कैश आ जाएगा और यहाँ कैपिटल, दोनों ही कितना 1,75,000। कैश में 1,75,000 और कैपिटल में 1,75,000, यहाँ लाइन कर देते हैं। दोनों साइड बराबर हैं, दोनों साइड बराबर हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। अब हमने सामान उधार खरीदा है सर, हमारे पास क्या आ रहा है एसेट्स में, तो स्टॉक आ रहा है सर 50,000 का। और क्योंकि ये सामान हमने खरीदा है उधार रोहित से, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आ रहे हैं। जब भी हम किसी से सामान उधार खरीदते हैं तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, बेचते हैं उधार तो हमारे डेब्टर्स होते हैं, हमारे लिए एसेट्स हैं। तो कैश में 1,75,000, स्टॉक में आपका 50,000, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी में 50,000 और कैपिटल में 1,75,000, दोनों साइड बराबर हैं सर, है ना। आगे देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 और बेचा है 20,000 का। मनीष को हमने सामान बेचा है लेकिन उधार 17,500 का, लेकिन 20,000 में, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ है सर? यस, कितने का? 2,500 का। तो पहले तो ये 2,500 बिना बताए चुपचाप हम यहाँ कैपिटल में ऐड कर देंगे। सामान हमने बेचा है 17,500 का, तो 17,500 का तो सामान यहाँ पे स्टॉक में से माइनस। और क्योंकि उधार बेचा है तो जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो वो हमारे क्या हैं सर? डेप्टर्स हैं। कितने का बेचा है सर? 20,000 रुपये का। ठीक, अब क्या हुआ, 1,75,000 का कैश है हमारे पास, उसके बाद 32,500 का हमारे पास स्टॉक बचा है, 20,000 के हमारे पास डेप्टर्स हैं, 50,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और 1,77,500 के हमारी कैपिटल है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। ऑफिस यूज के लिए हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारी एक एसेट है, तो एसेट्स के लिए हमने यहाँ पर फर्नीचर लिखा, 10,000 रुपये हमने यहाँ पर लिखे। और नगद खरीदा है सर, तो 10,000 रुपये कैश में से हमारे पास से चले गए। 1,65,000 का कैश है हमारे पास, स्टॉक बचा 32,500, डेप्टर्स हैं हमारे पास 20,000 के और फर्नीचर है हमारे पास 10,000 का। वहीं बात करी जाए, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 50,000 के और कैपिटल हमारे पास 1,77,500। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। देखो, हमने रोहित को 48,500 रुपये दिए, देने कितने थे रोहित जी? कहाँ हैं रोहित जी? ये रहे, 50,000 रुपये देने थे सर, लेकिन दिए कितने? 48,500। फ़ायदा हो रहा है? यस सर, 1,500 रुपये का। तो देखो, 50,000 रुपये के ये क्रेडिटर पूरे चले गए, फायदा हुआ है हमें कितने का? 1,500 रुपये का। ठीक, और कैश हमारे पास से कितना गया है? 48,500। यहाँ पर हम 50,000 की जगह 48,500 ही दिखाएंगे। कैश हमारे पास कितना गया है? मैं हमारा ये जो लायबिलिटी या फिर क्रेडिटर गए हैं वो पूरे 50,000 रुपये के चले जाएंगे।
1500 का गेन हुआ है और कैश एक्चुअल में हमारे पास से कितना गया है सर, 48,500। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपका 1,16,500 का हमारा कैश है, 32,500 स्टॉक के हैं, 20,000 हमारे पास डेप्टर्स के हैं, 10,000 हमारे फर्नीचर के हैं, क्रेडिटर हमारे कुछ नहीं बचे और हमारी ये जो कैपिटल है वो हो चुकी है ये 1,79,000। ठीक है, आगे देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000। मनीष से हमारे पास कितना पैसा आया, 20,000 रुपया। ये मनीष कौन है? हाँ, हमने इनको उधार बेचा था 20,000 का, तो पैसा पूरा 20,000 आ गया, यानी कि ये 20,000 यहाँ माइनस हो जाएगा और ये 20,000 यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब 1,36,500 का कैश, 32,500 रुपये का स्टॉक, डेप्टर कुछ बचा नहीं, फर्नीचर 10,000 का और यहाँ कैपिटल 179,000। रेंट पेड 1,000 रुपये, रेंट पेड करा है, खर्चा है, तो 1,000 रुपये माइनस हो जाएंगे हमारे कैश में से और 1,000 रुपये माइनस हो जाएंगे हमारे कैपिटल में से। ड्राइंग्स करी है पर्सनल यूज के लिए 3,000 रुपये, तो 3,000 कैश में से माइनस और 3,000 कैपिटल में से माइनस। तो ये अब कैश में 4,000 माइनस करेंगे तो 1,32,500 कैश में, 32,500 का स्टॉक, 10,000 का फर्नीचर और 1,75,000 का कैपिटल। आंसर चेक करेंगे, 1,32,500 का कैश, 32,500 का स्टॉक, फर्नीचर 10,000 का और 1,75,000 की कैपिटल, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया। हरीश जी को गुस्सा आ गई और हरीश जी ने तुरंत कहा कि मैं नहीं मानूंगा, कहूँ कि मैं भी बिजनेस को स्टार्ट करूँगा। चलिए हरीश जी का भी बिजनेस देख लेते हैं कैसा चलता है, पेज निकाल लेते हैं एक बढ़िया सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एसेट्स इज इक्वल टू Liability plus capital। हरीश जी कह रहे हैं बिजनेस स्टार्ट किया कैश में 1,80,000, कैश यहां पर आपने लिख लिया है कैश में 1,80,000 और यहां पर कैपिटल में 1,80,000। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000, यानी कि 60,000 का गुड्स खरीदा है नगद और 30,000 का गुड्स खरीदा है उधार। टोटल कितने का गुड्स खरीदा, 60,000 प्लस 30,000 यानी कि 90,000। तो स्टॉक में हमारा क्या आ जाएगा, 90,000। 60,000 का नगद खरीदा है तो यह कैश में से माइनस, 30,000 का उधार खरीदा है तो ये वहां लायबिलिटी में। अब क्या बचेगा, कैश में बचा 1,20,000, पहले लाइन कर देता हूं, 90,000 स्टॉक में, 30,000 क्रेडिटर्स में और 1,80,000 कैपिटल में। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 24,000, यानी कि 24,000 का जो गुड्स था उसे 40,000 में बेचा है, फायदा कितने का हुआ है, 16,000 का, तो वो तो कैपिटल में जाएगा। स्टॉक कितने का है हमारे पास से, 24,000 का, और हमने उधार बेचा है, नहीं नगद बेचा है, तो 40,000 रुपये आएंगे हमारे पास। एक लाख 60,000 कैश में, ठीक। अब ये आपका कितना बचेगा, 20,600 यानी कि 66,000 स्टॉक बचा, 30,000 की हमारी लायबिलिटी और 1,96,000 का हमारा कैपिटल। उसके बाद रेंट पेड किया है 5,000 का और 2,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो 5,000 का जो रेंट पेड किया वो तो हमने कैश में से माइनस और
यहाँ कैपिटल में से माइनस, और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी हमारी एक लायबिलिटी है, तो यहाँ पर ये जो लायबिलिटी है यहाँ पर एक और कॉलम में यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है, आउटस्टैंडिंग के नाम से वहाँ पे 2,000 रुपये आएगा और 2,000 कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब क्या क्या बचा है, ये हमारे पास 1,55,000 कैश बचे हैं, 66,000 का स्टॉक है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 है, क्रेडिटर्स 30,000 के हैं और कैपिटल हमारे पास बची है 1,89,000। अब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट को 50,000 जिसकी कीमत थी 38,000, यानी कि 38,000 का जो गुड्स है वो हमने 50,000 में बेचा है उधार। फायदा कितने का हो रहा है यहाँ पर सर, 12,000 का, तो 12,000 तो कैपिटल में आ जाएगा, गुड्स गया है 38,000 का, तो ये स्टॉक में से माइनस, और क्योंकि उधार बेचा है तो यहाँ पर डेप्टर्स आ जाएंगे एसेट साइड में, कितने के, 50,000। क्या रहेगी इक्वेशन, 1,55,000 कैश में, स्टॉक में अब बचे हमारे पास 28,000, डेप्टर से हमारे पास 50,000 के, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, क्रेडिटर्स 30,000 के और 2,01,000 रुपये की कैपिटल। सैलरी पेड इन एडवांस 3,000 रुपये, हमने सैलरी एडवांस में पेड करी, यानी कि प्रीपेड है, ये हमारी एक एसेट्स होती है, डेप्टर्स के बगल में हम प्रीपेड लिख देंगे, कितना पेड करा 3,000, तो यहाँ पर 3,000 लिख देंगे और कैश में से 3,000 रुपये माइनस कर देंगे। अब जो इक्वेशन आएगी, कैश में 1,52,000, स्टॉक में 28,000, डेप्टर्स में 50,000, प्रीपेड 3,000 के, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, क्रेडिटर्स 30,000 और कैपिटल 2,01,000। आंसर चेक कर लेते हैं, कैश 1,52,000, स्टॉक 28,000, डेप्टर्स आपका 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000, क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 और कैपिटल 2,01,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ, सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ वाले क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस कैश 1,20,000, तो कैश में 1,20,000 और कैपिटल में 1,20,000 डाल देंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदा है तो एसेट साइड में स्टॉक में 10,000 और कैश में से 10,000 रुपये माइनस। रेंट रिसीव्ड हुआ है तो 5,000 कैश में प्लस और कैपिटल में 5,000 प्लस। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी साइड में सैलरी आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन ओपन होगा, जहां पर 2,000 डालेंगे और कैपिटल में से 2,000 माइनस। उसके बाद रिसीव इंटरेस्ट है 700 रुपये की, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। गुड्स बेचे हैं 5,000 रुपये के 7,000 में, तो 2,000 का फायदा हुआ वो कैपिटल में जाएगा, 5,000 का गुड्स स्टॉक में से माइनस और 7,000 कैश में प्लस। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, अब जो हमारे गुड्स थे 500 रुपये के वो जल गए, तो स्टॉक में से 500 माइनस और कैपिटल में से 500 माइनस। इतना करने के बाद आपका ये जो अमाउंट है वो आ जाएगा, ये जो आपका दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।